फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंस्टेंट डोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप जब मन करे तुरंत बना के खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से और बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम क्रिस्पी बनेगा ये डोसा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कच्चा आलू, इसे छील लेंगे हम। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू लिया है, जो ना तो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। तो आलू को मैंने छील लिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पानी का बाउल रखा है। अब लेंगे हम एक ग्रेटर, क्योंकि हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ये जो बारीक वाला है ना छेद, इससे हम इसको ग्रेट करेंगे, क्योंकि जितने बारीक बारीक आलू के जूलियंस हम यहाँ पे निकालेंगे उतना ही डोसा हमारा यहाँ पे अच्छा और करारा बनेगा। बिल्कुल बारीक बारीक चाहिए ये देखिए, और पानी में आप डालते जाइए जिससे कि काले भी नहीं पड़ेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने पूरा ग्रेट कर लिया है और इतने बारीक बारीक जूलियंस इसके निकाले हैं मैंने। तो आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक इसको ग्रेट करना है। और अब मैं इसे साफ पानी से 3 से 4 बार वॉश कर लूंगी। तो ये मैंने इसे वॉश कर लिया, क्योंकि आलू के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारा स्टार्च होता है, इससे इसे वॉश करना जरूरी होता है कम से कम 3 से 4 बार। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप गेहूं का आटा। नॉर्मली हम जो घर में खाते हैं रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है, लेकिन मेरा गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा है, दरदरा है। मार्केट में जो गेहूं का आटा मिलता है वो बहुत बारीक होता है, तो आप थोड़ा सा मोटा लेंगे ना तो उससे डोसा बहुत ही करारा क्रिस्पी बनेगा। और फ्रेंड्स, गेहूं का आटा हेल्दी भी होता है, तो इसे आप बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को खिला सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1/2 कप सूजी। सूजी अगर आपकी मोटी है तो आप इसे ग्राइंड करके बारीक कर सकते हैं। और मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी या फिर चाय पीने वाला कप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो उसी से आपको लेना है 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी और आलू मीडियम साइज का। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं आटे की और सूजी की, तो आप आलू की क्वांटिटी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आलू आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आलू पकने के बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप आलू ज्यादा लेंगे तो डोसा करारा नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इसलिए आलू आपको कम ही लेना है, सूजी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं चाहें तो। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब। और जिस कप से नाप के हमने आटा और सूजी डाला था उसी कप से नाप के मैं 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, क्योंकि गेहूं का आटा है ना तो इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं और हमको गुठलियां नहीं रखनी है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए पहले आप, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना सारा पेस्ट, उसके बाद आप सारा पानी एक साथ डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने टोटल 2 कप पानी इसमें डाल दिया है, बट अब ये काफी थिक है, इसका हम डोसा नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अगर हम डोसा बनाएंगे तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा, वो चीले जैसा बन जाएगा। इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल हमने 3 कप पानी इसमें यूज किया है। 1.5 कप हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी, और उसमें 3 कप हमने पानी लिए हैं, यानी कि दुगना पानी हमने लिया है। तो आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल पतली ही होनी चाहिए, एकदम गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पानी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। या फिर आप जितना भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसका दुगना आपको पानी लेना है। तो इसको देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल पतला घोल जैसा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। तीखेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, और अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि ये थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूंगी चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर जो लाल मिर्च होती है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये खाने में हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच चाट मसाला, और फ्रेंड्स आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, 6 से 7 पत्ती बिल्कुल बारीक बारीक काट के आप इसमें डालेंगे तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, गेहूं का आटा और सूजी क्या है ना, नीचे पानी में बैठ जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है इस तरह से। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन एंड रेड कलर मिक्स होके बहुत ही कलरफुल हमारा बैटर लग रहा है। और अब इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। चलिए, 1/2 घंटा हो चुका है, ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, पानी ऊपर ऊपर आ गया, तो एक बार इसको फिर से मिला लेंगे हम।
और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, जिसे थोड़ा मैंने मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। एक तो डोसे में प्याज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरा जब हम इसे मोटा मोटा काटेंगे ना तो खाने में जब प्याज आएगा ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है वो, तो आप इसमें प्याज जरूर ऐड कीजिएगा अगर खाते हैं तो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक नींबू का रस, पूरे एक नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। वो इनो या सोडा का काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें इनो सोडा दही कुछ भी नहीं डाला है ना, तो इससे एक खट्टापन आएगा हमारे बैटर में और ये फर्मेंटेशन का भी काम करेगा, इसलिए एक नींबू का रस आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिला दिया है और अब सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, डेढ़ चम्मच नमक डाला है मैंने। तो चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए गैस पे मैंने डोसा तवा रख दिया है और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर पोर करेंगे हम बैटर, लेकिन उससे पहले बैटर को आपको अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि सूजी आटा नीचे बैठ जाएंगे ना, तो अच्छे से इसको मिलाइए। और तवा को हमें मीडियम गर्म रखना है। बैटर को आप किसी कटोरी या चम्मच की मदद से फैला सकते हैं और ये देखिए इस तरह से इसको फैलाना है, थोड़ा सा पतला पतला फैलाएंगे हम, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी और पतला बने। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डोसा तवा नहीं है तो आप इसे किसी नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये ऊपर की तरफ से हल्का हल्का पकने लगे तो चारों तरफ हम इसके ऑयल स्प्रेड कर देंगे, ताकि डोसा किनारों को जल्दी से छोड़ दे। और थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, जो छेद हो रहे हैं ना डोसा में उसमें भी, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। क्योंकि तवा थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए तवे को हमें चारों तरफ से इस तरह से घुमाना है, ताकि डोसा चारों तरफ से एक साथ सिके, एकदम क्रिस्प हो जाए और कहीं से भी कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ही डोसा ने अपने किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है और ऊपर भी थोड़े से ब्राउन स्पॉट आ गए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये दिखने में काफी क्रिस्प और एकदम पतला है, ये देखिए एकदम किनारे इसके बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे पलट के निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है इसमें। और ये देखिए, मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी इसमें जालियां पड़ी हैं और एकदम क्रिस्प है। ये देखिए बिल्कुल आराम से ये टूट रहा है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हुआ है ये, जबकि हमने इसे आटे का बनाया। दूसरा डोसा बनाने से पहले पानी डालकर थोड़ा सा तवे को हमें ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसको अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद फिर इसमें दोबारा से बैटर पोर करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे डोसे बनके बिल्कुल तैयार हैं, एकदम ऊपर से सॉफ्ट हैं, किनारों पे से क्रिस्पी हैं बिल्कुल, और बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसकी लेयर देख सकते हैं, एकदम पतली है बिल्कुल पापड़ जैसी और बहुत ही क्रिस्प है, इतनी इजीली टूट रही है और अंदर की तरफ से ये बहुत ही सॉफ्ट है गेहूं के आटे की वजह से। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे नारियल की चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, उसके साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो लीजिए, तैयार है हमारे गेहूं के आटे का एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और हेल्दी टेस्टी डोसा। और ये देखिए अंदर से कितना अच्छा कलरफुल है, प्याज, धनिया, चिली फ्लेक्स सबका कलर इसमें बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो बस, जब भी नेक्स्ट टाइम आपका डोसा खाने का मन करे, फटाफट से आटा सूजी घोलो और डोसा बना डालो। तो आई होप यू गाइज, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मुझे वहां से जाके फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।